बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, जिसमें कृषकों द्वारा रसायनों के प्रयोग ने न सिर्फ कृषकों की कृषि लागत को बढ़ाया है बल्कि समय के साथ उत्पादन में भी कमी आने लगी। और यही वजह है कि जिला कृषि कार्यालय और आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की मधेपुरा इकाई प्राप्त विभागीय लक्ष्य का अपनी तकनीकी टीम के सहयोग से स्थानीय आवश्यकतानुरूप सफल क्रियान्वयन कराते हुए इसे फलीभूत करने में जुटा है, जिसका परिणाम है कि आज मधेपुरा जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित इटवा जीवचपुर ग्राम के सैकड़ों महिला और पुरुष किसान जैविक खेती की राह पर चल निकले हैं। यहाँ सब्जी की खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता खत्म करने के उद्देश्य से कृषक और कृषक समूहों के बीच कम लागत से भी विभिन्न तरह के जैविक खाद और जैव कीटनाशकों के निर्माण की तकनीक सिखाने के साथ ही विभागीय योजना के अनुरूप अग्रिम इनपुट अनुदान के रूप में जैविक खेती करने वाले कृषकों को प्रति एकड़ 11,500 के अनुदान सहित आत्मा मधेपुरा द्वारा जैविक सब्जी की खेती के आधुनिक और नवीन तकनीकों के प्रत्यक्षण और प्रशिक्षण सहित जिले के अंदर और जिले के बाहर सहित राज्य के बाहर भी विभिन्न स्थानों के परिभ्रमण पर कृषक और कृषक समूहों के सदस्यों को भेज जैविक सब्जी की खेती के लाभकारी स्वरूप से परिचित करा, कृषकों के बीच जैविक खेती को प्रचलित करने के प्रयास किए, जिसने स्थानीय कृषकों में एक नई ऊर्जा का संचार कर इन्हें विभिन्न तरह की सब्जियों की पूरी तरह जैविक खेती करने को उत्साहित कर पूरे जिले को जैव जिला बना देने को प्रेरित कर दिया है।